नईम रज़ियल्लाहु अन्हु जब अबू सुफियान के पास पहुँचे तो एक और रात शुरू हो चुकी थी। उस वक्त उनकी हड्डियाँ भी दुख रही थीं और उनकी जबान सूख गई थी। एक ही बार बेतहाशा पानी पीकर वो बोलने के काबिल हुए। अबू सुफियान नईम रज़ियल्लाहु अन्हु की दानिशमंदी और तदब्बुर से मुतासिर था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने लश्कर से नहीं आए। अबू सुफियान ने नईम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? बहुत दूर से, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ने जवाब दिया। जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूँ। तुम लोग बनू कुरैज़ा के साथ मुआहिदा कराए हो, क्या तुम भूल गए थे कि यहूदियों को हमारे साथ जो दिलचस्पी है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर खत्म करा देना चाहते हैं। मैं बनू कुरैज़ा के दो दोस्तों से मिलकर आया हूँ। मुझे मदीने का भी एक पुराना दोस्त मिल गया था। मुझे पता चला है कि काब बिन असद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि काब ने मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा है। तुमने उसे कहा कि वो मदीने में मुसलमानों पर हमले करे, अब वो तुमसे कुरैश के सरकर्दा खानदानों के चंद अफराद या गमाल में जमानत के तौर पर रखने के लिए मांगेगा, मगर उन्हें वो मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान उन अफराद को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और दोनों हम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि यहूदियों को यगमाल में अपना एक आदमी भी ना देना। खुदा की कसम नईम, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं बनू कुरैज़ा की बस्तियाँ उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। उसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? उसकी सोच पर आपने शराब और हसीन लड़कियों का तिलिस्म तारी कर दिया है, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ने कहा। क्या शराब और औरत किसी के दिल में खुलूस और दयानतदारी रहने देती है? उसे शराब और औरत किसने दी? अबू सुफियान ने कहा, क्या बदबख्त काब इतनी सी बात नहीं समझ सका कि मैंने उसके साथ जो मुआहिदा किया है उसमें उसकी कौम और उसके मजहब का तहफ्फुज है। अगर मोहम्मद का मजहब इसी तरह फैलता चला गया तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। वो अपने दुश्मन पर भी जाहिर नहीं होने देते कि वो उसके दुश्मन है। हुय बिन अख्तब भी यहूदी है। उसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निसफ मटका और दो नहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहना हालत में उसके पास थीं। उसने बदमस्ती के आलम में मुझसे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। नईम, अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, मैं मदीने से मुहासरा उठाकर बनू कुरैज़ा की नस्ल खत्म कर दूंगा। उसकी ये जुर्रत के कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को जमानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। ठंडे दिल से सोचो और फैसला कर लो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल में नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूँ, अबू सुफियान ने कहा। क्या तुम अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में है? वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद को अबू सुफियान के पाँव उखाड़ने का मौका मिल गया। मैं हैरान हूँ अबू सुफियान, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। अहले मदीना खुश और मुतमईन है, वहाँ भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुहासरे का उन पर कोई असर नहीं हुआ, अबू सुफियान ने कहा। बिल्कुल नहीं, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ने कहा। उन पर मुहासरे का ये असर है कि वो जोशो खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है, अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा। वो झूठ बोलते हैं, नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा न करना, ये बताकर कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक उबूर कर लो और मदीने पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। मैं उनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ, अबू सुफियान ने कहा और अपने गुलाम को आवाज दी। अकरमा और खालिद को बुला लाओ, अबू सुफियान ने गुलाम से कहा। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ये कहकर चले गए, मैं अपने सरदार गतफान को खबर करने जा रहा हूँ। खालिद और अकरमा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम उसे काब बिन असद के मुतालिक क्या बता गए हैं। गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, अबू सुफियान, खालिद ने कहा। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनू कुरैज़ा मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहमो करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? अबू सुफियान ने पूछा। हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश ना करे। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है?
क्या ये लश्कर खंदक उबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीने के अंदर मुसलमानों पर शब खून मारने का इंतजाम करे। मैं जाऊंगा, अकरमा ने कहा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा मनसूख कराऊंगा। क्या मैं भी अकरमा के साथ चला जाऊँ? खालिद ने अबू सुफियान से पूछा। इसका अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं, अबू सुफियान ने कहा, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार जाया नहीं कर सकता। अकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरमा उसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे। उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनु कुरैज़ा तक पहुँचना था। वो जुमे की रात और तारीख 14 मार्च 627 ईस्वी थी। जब अकरमा खंदक से दूर दूर चलता शेखैन के सिलसिला कोह में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुँचा। काब को मालूम था कि अकरमा क्यों आया है। आओ अकरमा, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी, मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो काब, अकरमा ने 2 टोक लहजे में कहा, मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम मुहासरे को और ज्यादा तूल नहीं दे सकते। हम कल मदीने पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीने में उन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें ये भी मालूम हुआ है कि तुमने जाहिरी तौर पर हमारे साथ मुआहिदा किया है लेकिन दरपर्दा तुमने वो मुआहिदा कायम रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक निहायत हसीन लड़की शराब की सुराही और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो अकरमा को देख कर मुस्कुराई। अकरमा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। काब, अकरमा ने कहा, तुमने अपना मजहब और अपनी जबान इन चीजों के एवज बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई। मेरे अजीज अकरमा, काब ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनत के आसार देख रहा हूँ। साफ पता चलता है कि तुम मुझे अपना गुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया था वो बनु कुरैज़ा के तहफ्फुज़ और सलामती के लिए किया था और मैंने जो मुआहिदा तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी फतह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर किया है। मुसलमानों को खत्म करना मेरे मजहब का हुक्म है। तुम्हारे साथ मुआहिदा निभाना इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फरीजा अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हुई बिन अख्तब से मैंने कह दिया था कि अहले कुरैश और अहले गतफान मुझे बनु कुरैज़ा की सलामती की जमानत दें ताकि ऐसा ना हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे जालिमाना इंतकाम लें। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ने जो चिंगारी उन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो अकरमा के सीने में सुलग रही थी। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकरमा के जहन में अबू सुफियान की मारफत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जबान से जमानत का लफ्ज सुनते ही अकरमा भड़क उठा। क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं? अकरमा ने गुसीली आवाज में कहा, क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए हैं कि मोहम्मद हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, काब बिन असद ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने मुश्तरका दुश्मन को जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। मैं एतराफ करता हूँ कि जो अक्ल खुदा ने मोहम्मद को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इसकी जमानत चाहता हूँ। कहो, तुम्हें कैसी जमानत चाहिए? अकरमा ने पूछा। कबीला कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद हमारे पास भेज दो, काब बिन असद ने कहा। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा अकरमा, ये हमारा तुम्हारा दस्तूर है। इस रिवाज और शर्त से तुम वाकिफ हो। मैंने जमानत के तौर पर यरगमाल में लेने वाले आदमियों की तादाद नहीं बताई। ये तादाद तुम खुद मुकर्रर कर लो। तुम जानते हो कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे इन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। उन्हें तुम कत्ल नहीं करोगे, अकरमा ने भड़की हुई आवाज में कहा, तुम उन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। क्या कह रहे हो अकरमा? काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा। क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें ये धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीलों के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करवाऊंगा? मुझ पर एतबार करो। यहूदी पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे किसी सांप पर एतबार कर लिया हो, अकरमा ने गुस्से के आलम में कहा। अगर तुम अपने आप को इतना ही काबिले एतबार समझते हो तो कल मदीना में इन छोटे किलों पर हमले शुरू कर दो जहाँ पर मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को रखा हुआ है। कल? काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन यहूदियों का एक मुकद्दस दिन होता है जिसे हम सब्त कहते हैं। इस रोज इबादत के सिवा हम कोई और काम नहीं करते। कोई यहूदी सब्त के दिन कोई काम या कारोबार करे या किसी पर हमला करे तो खुदाए यहूदा उसे इंसान से खिंजीर या बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता है। अकरमा देख चुका था कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं है। वो शराब पीता चला जा रहा था। अकरमा ने शराब पीने से इनकार कर दिया था।
उसने अबू सुफियान से कहा कि वो फैसला करके ही वापस आएगा। तुम कल हमला करो या एक दिन बाद करो, हम तुम्हारी नीयत को अमली सूरत में देखकर फैसला करेंगे कि तुम्हें यरगमाल में अपने आदमी दिए जाएं या ना दिए जाएं। अकरमा ने कहा, इससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे। मैं कह चुका हूँ कि यरगमाल के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। काब बिन असद ने कहा, जो ही तुम्हारे आदमी हमारे पास पहुँच जाएंगे, हम तुम्हारी मंशा के मुताबिक मदीने के अंदर खलबली मचा देंगे। तुम देखना कि हम मोहम्मद की पीठ में किस तरह छुरा घोंपते हैं। अकरमा उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, तुम बदतीनत हो, तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं। आओ मिलकर मुसलमानों को मदीने के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर दें। मुझे अगर हुक्म मानना ही है तो मैं मोहम्मद का हुक्म क्यों ना मान लूं? काब बिन असद ने अकरमा का गुस्सा देखते हुए कहा, हम मुसलमानों के साथ रहते हैं, जो तहफ्फुज़ हमें उनसे मिल सकता है वो तुम नहीं दे सकोगे। मुअर्रिख इब्न हशाम और इब्न साद ने लिखा है कि नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद का छोड़ा हुआ तीर निशाने पे लगा। अकरमा गुस्से के आलम में काब बिन असद के घर से निकल आया। यहूदियों और अहले कुरैश का मुआहिदा जो अगर बरकरार रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती, काब के घर के अंदर ही टूट गया। जब अकरमा काब बिन असद से मिलने जा रहा था, उस वक्त नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद अपने कबीले के सरदार गतफान के पास बैठे हुए थे। उसके साथ भी उन्होंने काब बिन असद के मुतालिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुके थे। अबू सुफियान ने गुस्से में आकर गतफान को बुला लिया। गतफान ने अपने सालार एनिया को बुला लिया, क्या तुमने सुना है कि काब बिन असद हमें धोखा दे रहा है? गतफान ने एनिया से कहा, वो हमसे यरगमाल में रखने के लिए सरकर्दा अफराद मांगता है, क्या ये हमारी तौहीन नहीं? सरदार गतफान, सालार एनिया ने कहा, मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ कि मेरे साथ मैदान जंग की बात करो, मैं आमने सामने की लड़ाई जानता हूँ। मुझे उस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है, और मुझे उस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है। और फिर तुम यहूदियों पर एतबार करते हो। अगर काब बिन असद कहेगा कि मुझे अपने कबीले का सरदार गतफान या गमाल में दे दो, तो क्या मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा? मैं उस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ऐसा मुतालबा करेगा। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ने कहा, मैं इन यहूदियों को अपने कबीले की एक भेड़ या बकरी भी ना दूं। खुदा की कसम, काब ने हमारी तौहीन की है। अबू सुफियान क्या कहता है? गतफान ने नईम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। ये बात सुनकर अबू सुफियान गुस्से से कांपने लगा। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू सुफियान कहता है कि वो काब बिन असद से इस तौहीन का इंतकाम लेगा, और उसे इंतकाम लेना चाहिए। सालार एनिया ने कहा, बनू परेजा की हैसियत ही क्या है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पिस जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद को आज मदीने की तरफ जाते हुए वो वक्त याद आ रहा था जब अकरमा बनू परेजा की बस्ती से वापस आया था। खालिद दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा था, उधर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता हुआ आ गया। अकरमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। क्या खबर लाए हो? अबू सुफियान ने उससे पूछा। खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बदतीनत इंसान पहले कभी नहीं देखा था। अकरमा ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जवाब दिया, नईम ने ठीक कहा था, क्या उसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? खालिद ने पूछा था। हाँ खालिद, अकरमा ने कहा था, उसने मुझे शराब पेश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम उसके मकरूज हैं। उसने कहा कि पहले यरगमाल में अपने आदमी दो, फिर मैं मदीने के अंदर शबखून मारूंगा। क्या तुमने उसे कहा नहीं कि अहले कुरैश के सामने बनू कुरैजा की हैसियत ऊंट के मुकाबले में एक चूहे की सी है? खालिद ने कहा था, क्या तुमने उसका सर उसके कंधों से उतार नहीं दिया? मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोका था। अकरमा ने कहा, उसके साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ था वो मैं तोड़ आया हूँ। तुमने अच्छा किया, अबू सुफियान ने दबी दबी आवाज में कहा था, तुमने अच्छा किया। और वो परे चला गया था। ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था, डेढ़ दो साल पहले ही की बात थी। आज जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था तो ये जाना पहचाना रास्ता उसे अजनबी सा लग रहा था। कभी उसे ऐसा महसूस होने लगता जैसे वो खुद अपने लिए अजनबी हो गया हो। उसे अबू सुफियान का अफसरदा चेहरा नजर आने लगा। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीने पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। खालिद और अकरमा वहीं खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? अकरमा ने पूछा था, क्या तुम मेरी ताईद नहीं करोगे कि मैं उस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने अकरमा को जवाब दिया था, अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुजदिल सरदार और कोई नहीं मिलेगा। तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक कम है और ज्यादा गहरी भी नहीं है। हम वहां से खंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी इसी जगह से चंद सवार खंदक के उस पार ले जाना चाहता हूँ।
अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे, मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूंगा खालिद, अकरमा ने कहा था। क्या मैं मुसलमानों के उन कहकहों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो उस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहाँ से लड़े बगैर वापस चले जाएंगे? चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जगह जबाब की पहाड़ी के मगरिब और सिला की पहाड़ी के मशरिक में थी, जहाँ खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे फलांग सकता था। जरूरत शहसवार की थी, प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। उसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमागाह थी। खालिद ने अकरमा को ये जगह दूर से दिखाई। पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे, अकरमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे, पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे, वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा, तुम अभी खंदक के पास ना जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ न मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरे से उठ चुका है, वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। वो मकाम जहां खंदक घोड़े की लंबी छलांग से फलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। अकरमा ने सात सवार मुंतखब कर लिए थे, उनमें एक कव्वी हैकल बल्कि देवकामत शख्स अमर बिन अब्दू भी था, जिसकी धाक उसकी जिसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अकरमा उन सात सवारों को मुकर्रा मकाम से कुछ दूर तक इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों को टहलाई के लिए ले जा रहा हो। मुसलमानों के संतरियों को उन पर शक ना हुआ। सबसे पहले मैं खंदक फलांगूंगा, अकरमा ने चलते चलते अपने सात सवारों से कहा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक को फलांगे, अमर बिन अब्दू ने कहा। नहीं अमर, अकरमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा, अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश ना करना, तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अकरमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अकरमा ने एड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे, जमीनों आसमान देख रहे थे, तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर लगे। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया, उसकी अगली टांगें दोहरी हो गईं, उसका मुंह जमीन से लगा। अकरमा गिरते गिरते बचा, घोड़ा भी संभल गया और अकरमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अकरमा। अकरमा ने पीछे देखा, अमर बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। अमर रकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां अकरमा का घोड़ा गिरा था। अमर के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। अमर घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ, उधर अमर उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अकरमा के दो सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी थी और उनकी गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े खंदक फलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दादो तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अकरमा के दो और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे साथ में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को एड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अकरमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा, कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद को बुलाओ, तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ, वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तमा गाह में खलबली बपा हो चुकी थी। एक शोर था, कुरैश और गदफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है, होशियार खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू ना होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कहकह लगा रहे हैं। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फप्तियां भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे जहां अकरमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अकरमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को देखकर अम्र बिन अब्दु ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया।